और देखिए इस पूरे मामले से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट है। लॉकअप में आफताब की तस्वीर सामने आई है। मेहरौली पुलिस थाने में बंद है आफताब, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है आफताब। ये देखिए ये आफताब की तस्वीर जेल के अंदर से सामने आई है। बहुत ही खौफनाक तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दिल्ली से विवेक शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है वो बहुत ही खौफनाक है। 6 महीने तक तो पता भी नहीं चला कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। 6 महीने लग गए इस पूरे केस को सुलझाने में। अब क्या नई जानकारी आफताब के हवाले से सामने आई है इस पूरे मर्डर केस में? देखिए बात की जाए तो पुलिस की पूछताछ पे लगातार आफताब कई बड़े खुलासे कर रहा है। उसने बताया कि श्रद्धा की हत्या को अंजाम देने के बाद उसने डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की को अपने घर पर बुलाया था और साथ ही उसने बकायदा गूगल से यह भी सर्च किया था कि श्रद्धा की डेड बॉडी के किस तरह से टुकड़े किए जाएं। इसके अलावा एसिड से जो फर्श है जहाँ पे खून पड़ा हुआ था उसे साफ किया गया था। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए कि किसी भी तरह से वो पकड़ा ना जाए। और जो खून से सने कपड़े थे उसे जो एमसीडी की गाड़ी होती है उसमें डाला। आफताब से लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है और पूछताछ में लगातार बड़े खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं और आफताब पर लगातार निगाहें जो है वो दिल्ली पुलिस रख रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आफताब पर पैनी निगाहें जो है वो दिल्ली पुलिस रख रही है और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ये लॉकअप रूम की तस्वीरें हैं और ये सीसीटीवी कैमरे की मदद से दिल्ली पुलिस के जवान जो है बाकायदा आफताब की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो सो रहा है, क्या वो कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, हर गतिविधि पर पैनी नजर दिल्ली पुलिस रख रही है। तो साफ है कि 5 दिन की पुलिस रिमांड पर आफताब को लिया हुआ है और दिल्ली पुलिस लगातार उस पर पैनी नजर रखते हुए यहां पर देख सकते हैं कि एक पुलिस के जवान को यहां पर बाकायदा तैनात किया गया है। हथियारों से लैस वहां पर मौजूद है और थोड़ी दूरी पर ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रिज है, यही बरामद किया गया था फ्रिज जिसमें आफताब ने डेड बॉडी को जो है रखा था श्रद्धा की। और इस तरफ देख सकते हैं कि यहां पर ये आफताब आपको यहां लॉकअप रूम में बंद नजर आएगा। पुलिस की पैनी नजर 24 घंटे यहां पर है और पुलिस अभी से जल्द ही जंगलों में लेके जा सकती है जहां पर इसने श्रद्धा की शव के टुकड़े फेंके थे। करीब 12 से 13 जो शव के टुकड़े हैं वो पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस का कहना है कि बाकी टुकड़ों को बरामद करना है जिसके चलते आफताब से पूछताछ की जा रही है और साथ ही जब मर्डर किया था उसके बाद वो किन लोगों के संपर्क में था कॉल डिटेल्स पूरी खंगाली जा रही है। साथ ही गूगल की जो हिस्ट्री है वो भी खंगाली जा रही है कि उसने क्या क्या सर्च किया था, क्योंकि अभी तक निकल के आया कि पूरी प्लानिंग के साथ उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। उसने बकायदा गूगल में देखा था कि किस तरह से मर्डर किया जाए, शरीर के बिल्कुल विवेक बहुत ही खौफनाक तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। नजर आगे भी आप बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लॉकअप में बंद आफताब की तस्वीर सामने आई और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो खुलासे वो कर रहा है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।